नेपाल में भारी बारिश के बाद से अब सैलाब बिहार के अंदर आतंक मचाने वाला, या कहिए तो सैलाब का कहर अब शुरू हो गया है। बिहार सरकार के मुताबिक नेपाल में भारी बारिश के कारण सुबह 5 बजे नेपाल के वीरपुर में मौजूद कोसी बैराज से 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 1968 के बाद सबसे ज्यादा है और जिसका नतीजा ये हुआ है कि बिहार के कई जिले पानी पानी हो गए हैं। अररिया से आइए तस्वीर देखिए, रास्तों पर कमर तक पानी है, घर में पानी घुस चुका है, लोग आखिर जाएं तो जाए कहां। सिकटी प्रखंड के दर्जनों घर डूब गए हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद अररिया के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। लोगों के पास अपना घर छोड़ने के अलावा अब दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अब ये तस्वीर सीतामढ़ी की है, देखिए कई इलाकों में पानी भर गया है, बांध से हो रहा रिसाव लोगों में खौफ को और भर रहा है। सीतामढ़ी के बाद मधुबनी चलिए, मधुबनी का मधेपुर प्रखंड बाढ़ की विनाश लीला देख रहा है। 50,000 से ज्यादा आबादी त्राहिमाम कर रही है। मधेपुर प्रखंड के 6 से ज्यादा पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, रास्ते डूब गए हैं, घर डूब गए हैं, मकान में रखा सामान सड़क पर आ गया है और उन मकानों में रहने वाले लोग, ये रिपोर्ट देखिए, ये वीडियो देखिए। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में आने जाने के लिए अब नाव ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। फसलें बर्बाद हो चुकी है, लोगों के लिए खाने की समस्या है उनके सामने और मवेशियों का चारा भी खत्म हो चुका है। इधर पूर्वी चंपारण जिले में यमुनी नदी का बढ़ता जलस्तर भी बाढ़ का अलार्म बजा रहा है। पूर्वी चंपारण के बनकटवा प्रखंड में सड़कों पर पानी भर चुका है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। नेपाल में हुई भारी बारिश का साइड इफेक्ट बिहार ही नहीं यूपी में भी हमें नजर आ रहा है। अब आपको हम यूपी के श्रावस्ती जिले की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर राप्ती नदी उधान पर है और राप्ती नदी खतरे के निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी के किनारे टूट रहे हैं, ऐसे में ग्रामीण खौफ में है। दहशत ऐसा है कि लोग अपने घर खुद ही तोड़ रहे हैं। सर, जैसे हम लोग ये बरसात से पहले लगातार, मतलब 2021 से हम लोग शासन प्रशासन को बार बार लिखित मौखिक अवगत कराते रहे, लेकिन अनुशासन मिला कि मतलब ये घर कटेगा नहीं। और फिर पानी इतना ज़्यादा आ रहा है कि हम अपना सामान निकाल लें, बाकी मकान इसी में से गिर जाएगा, क्योंकि RCC मकान है लंबा चौड़ा, इसको हम नहीं निकाल पाएंगे। घर का जो सामान है, चारपाई बेड, ये सब निकाल के सुरक्षित स्थान पर सड़क पर रख रहे हैं, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। पानी उधर बहुत है ना। किधर पानी है? रोड कट गया है। कौन? अच्छा, रोड कौन सी रोड कटी है? मल्लीपुर। मल्लीपुर से और कौन? इनका जात है। अच्छा, कितने जगह कटी है? 5-6। अच्छा, इसलिए उस पे जो है आवागमन बंद है। तो आप लोग जान जोखिम में डाल के देख रहे हैं कि आप लोग आ रहे हैं, काफी पानी पड़ रहा है कमर कमर तक। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा, तो देखा आपने कैसे नेपाल के रास्ते सैलाब का आतंक बिहार के अंदर प्रवेश कर रहा है। इस तस्वीर पर, इस वीडियो पर जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP Live।